हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है काल भैरव रहस्य पार्ट 3। तो दोस्तों आइए, चलिए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। अब जैसे कि शास्त्रों के अनुसार भगवान काल भैरव का अवतार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन मध्यमा में भगवान शिव शंकर के अंश से इनकी उत्पत्ति हुई थी। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का पांचवां अवतार माना गया है। महादेव के रुद्र रूप भगवान काल भैरव को तंत्र का देवता माना गया है। इसलिए तंत्र मंत्र और इनकी जो साधना है उसका निर्वाह संपन्न करने के लिए सबसे पहले काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव शत्रुओं और संकट से भक्तों की रक्षा भी करते हैं। सभी शक्ति पीठों के पास भगवान काल भैरव के जागृत मंदिर जरूर होते हैं। इनकी उपासना के बिना देवी माँ की उपासना अधूरी मानी जाती है। हिंदू देवताओं में भगवान काल भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनकी शक्ति का जो नाम है वह है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभीष्ट दयानी है। मान्यता के अनुसार भगवान काल भैरव भगवान शिव के सबसे उग्र रूप माने जाते हैं, परंतु ये अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और बुरे कर्म करने वालों को दंड भी देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना भगवान काल भैरव के बारे में। आप इनमें से कितने फैक्टों के बारे में जानते थे मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।